अच्छा भाई, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्लड प्रेशर के क्या अलामत हैं और ब्लड प्रेशर क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम है। चलो चलो जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी से जाओ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जल्दी से जल्दी से जल्दी से एंड स्टे ट्यून्ड। तो जैसे इस दुनिया के अंदर का एक सिस्टम है कि जिसकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी है। तो आज हम बात करेंगे दवाइयों के बगैर, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, दवाइयों के बगैर ब्लड प्रेशर का कैसे इलाज किया जाए। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है अगर आपके डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर, जैसे स्कूल के अंदर हो या कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हो, काम पे हो, घर के अंदर हो या हॉस्पिटल के अंदर हो, तो आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल 130 और नीचे वाला नंबर 80 से ऊपर आपका आए जा रहा है। तो आपको ब्लड प्रेशर के और उसके साथ साथ आपको अलामत हैं जैसे हेडेक है, चिड़चिड़ा हो जाना, एंग्री रहना और हार्ट रेट का ऊपर चले जाना या यू नो डिफरेंट ये वाली जो चीज़ें होती हैं, तो आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर उस टाइम पे चेक कराएं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर ऑन द हायर साइड है तो सबसे पहले आपने नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज गुड। याद रहे कि अगर एक मरतबा दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो उनको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हमेशा 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 दवाइयों के बगैर पहले इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसके बाद दवाइयों पर जाना चाहिए। अनटेनलेस कोई ऐसी सिचुएशन है कि यू नो उसके अंदर दवाइयों के बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सपोजिटली एक पेशेंट है, इसका ब्लड प्रेशर रफली 138/85 है, थोड़ा सा हाई है 130/80 से ऊपर। तो सबसे पहला काम जो मैंने ये बताया था कि रिस्क फैक्टर्स के अंदर भी कि ब्लड प्रेशर का बड़ा होने का और ऊपर की साइड पे होने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही होता है कि इंसान का वेट बढ़ा हुआ है। जब वेट बढ़ा हुआ है तो हार्ट ज़्यादा एफर्ट से पंप करता है और कोशिश करता है कि ब्लड सप्लाई बॉडी के अंदर हर जगह पे एडिक्वेटली पहुँचे, तो उसके अंदर हार्ट की भी मशीनरी ख़राब होने का खदशा होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो सिर्फ हार्ट ही नहीं, दिमाग की और फेफड़ों की, गुर्दों की, रगों के अंदर भी स्ट्रेस स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है इन द लॉन्ग रन। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने वेट को लूज़ करना है। याद रहे हर किलोग्राम जो आप वेट कम करते हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, हर किलोग्राम जो आप वेट रिड्यूस करते हैं उससे जो ऊपर वाला नंबर है वो 1 मिलीमीटर मरकरी कम होता है। तो सपोजिटली अगर आपने 10 किलोग्राम वजन कम किया है तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 138 आ रहा था, 10 किलोग्राम रफली कम करने से वो ब्लड प्रेशर 128 आ सकता है। तो अगेन ये बड़ा वेरिएड हिसाब किताब है, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कुछ केसेस के अंदर 10 किलोग्राम से 15 का भी डिफरेंस आ सकता है और कुछ केसेस के अंदर 10 किलोग्राम करने से सिर्फ 7-8 का भी फर्क आएगा। लेकिन ऑन एवरेज 10 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर जो ऊपर वाला नंबर है, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो गिरने का रिसर्च कहती है कि उससे होता है। तो याद रहे कि वेट लॉस इज द नंबर वन थेरेपी। हमेशा 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 जब भी ब्लड प्रेशर आपका एलिवेटेड रहे या होने का खदशा हो, सबसे पहला आपने काम क्या करना है, वेट लॉस करना है। हर मिलीमीटर पे, हर किलोग्राम लॉस पे 1 मिलीमीटर मरकरी गिरने का खदशा होता है। और दो चीजें इसमें याद रखनी है। देखिए, वेट जब आप लूज करेंगे ना, तो आप अपने, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, इसको आप इन द कॉन्ट्रेरी लेंगे, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो और प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा एक पूरा एक साइकिल में आप बढ़ जाते हैं कि अगर आप थोड़े से बड़े हैं, बिग हैं, मोटे हैं, तो उससे क्या होता है कि आप एक्सरसाइज में भी आपको सुस्ती होती है, एक्सरसाइज करने में भी दुश्वारी होती है, तो एक्सरसाइज के फवायद भी नहीं मिलेंगे और जो वेट आपका गेन हुआ हुआ है उसके तो नुकसान अपनी जगह पर हैं। तो इट्स अ टू वे सॉर्ट। आपको हर जगह से ये जो वजन है ये आपको बहुत डैमेज पहुंचाएगा इन द लॉन्ग रन। तो लिहाजा ब्लड प्रेशर का जहां तक ताल्लुक है, तो वेट अपना रिड्यूस करें, हर किलोग्राम कम करने पे 1 मिलीमीटर मरकरी आपका ब्लड प्रेशर औसतन कम होता है। दूसरा काम आपने क्या करना है, डाइट पे अपना बहुत स्ट्रांग तवज्जो देनी है। सॉल्ट फ्री डाइट पे आपने फोकस करना है। याद रहे जैसे मैंने कहा है, हमारे खानों में नमक की भरमार होती है, बाहर जाओ तो नमक की भरमार होती है क्योंकि प्रोसेस फूड्स होते हैं। और आपको पता है घर के अंदर तो नमक के स्वाद के बगैर कोई खाना बनता नहीं है। तो डेफिनेटली व्हाट
यू शुड डू एज अ ब्लड प्रेशर पेशेंट इज मेक श्योर कि आपके जो नमक की मिकदार है वो कम से कम हो, इफ नॉट सॉल्ट फ्री हो. मतलब सॉल्ट फ्री हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त है. तो आई थिंक ये दो चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इन द लॉन्ग रन. लूज वेट और डाइट. और अगेन एज आई सेड कि अगर डाइट आपकी कंट्रोल होगी तो वेट अपने आप कम आना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा. अच्छा, तीसरी चीज़ आपने जो करनी है ये लिंक्ड है वेट के साथ, लेकिन एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है. रिसर्च कहती है कि 30 मिनट की एक्सरसाइज 5 दिन हफ्ते के अंदर इज एडिक्वेट. उससे रफली 5 मिलीमीटर जो मरकरी का प्रेशर है वो आपका ऊपर वाला नंबर जो है वो कम होने का खदशा होता है. तो जैसे मैंने बताया अगर 138 ब्लड प्रेशर है तो अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं 5 दिन फॉर 3 मंथ्स 3 महीने तक, तो आपका जो ऊपर वाला नंबर 138 है वो उसका चांस है कि वो 133 पे आ जाए. तो अगेन ये आप देख रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करें, वेट लूज करें और सॉल्ट फ्री डाइट इस्तेमाल करें तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयों की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. आप हमेशा ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा. तो ये उन चीज़ों पे जहन में रखना है. अच्छा, एक्सरसाइज किस किस्म की करनी है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 4 मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग. ये 4 चीज़ें हैं. अच्छा, ये भी बहुत सवाल आता है कि भाई मैं सुबह से लेकर शाम तक बड़ा काम करता हूँ, बड़ी एनर्जी इस्तेमाल करता हूँ तो आई थिंक मेरी एक्सरसाइज हो जाती है. कभी भी ऐसी नहीं होती एक्सरसाइज. जो मैं ये 30 मिनट का टाइम आपको बता रहा हूँ, जो उससे एक्सरसाइज, जब आप डेडिकेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है. जब हार्ट रेट बढ़ जाता है तो उससे जो मेन फवायद जो उस हार्ट रेट के उस 30 मिनट बढ़ने की वजह से हासिल होते हैं, वो जब आप अपने डेली लाइफ में जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं उसमें वो हार्ट रेट नहीं बढ़ता. वो हार्ट रेट बढ़ने की वजह ही स्ट्रेंथ है. तो उस हार्ट रेट को ऊपर अचीव करने के लिए हैं आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बेनिफिट सिर्फ एक्सरसाइज से ही मिल सकते हैं. और ये जो मोस्ट कॉमन जो 4 एक्सरसाइजेज हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये 4ों से बहुत फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग रन. और जो 4था काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर है, वो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ उसको रोक दें. स्मोकिंग के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो ब्लड की जो वेसल है, जो रगे हैं उनको और छोटा छोटा करता रहता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है. और उसमें एक प्रोसेस होता है एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रीडोमिनेंट करता है. एथेरोस्क्लेरोसिस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस चीज़ को समझें कि अगर ये ल्यूमेन है, अगर ये आपका डायमीटर, ये आपको पूरे नज़र आ रही है, ये आपकी ब्लड प्रेशर की वेसल, ये आपकी ब्लड वेसल है, तो इसका साइज अभी कितना बड़ा है और ये जाके छोटा कर देती है स्मोकिंग. तो स्मोकिंग के ये छोटा होने से ब्लड प्रेशर के अंदर, रवानी के अंदर इजाफा हो जाएगा और ब्लड प्रेशर की बीमारी रहेगी और इफ नॉट वर्स भी हो सकती है. और रिसर्च ये कहती है कि अगर आपने स्मोकिंग छोड़ दी तो ऑन एवरेज 5 मिलीमीटर मरकरी आपका ब्लड प्रेशर गिरेगा. तो सपोजिटली अगर कोई एक आदमी है जिसका ब्लड प्रेशर 138/85 है, अगर वो अपना 10 किलोग्राम वजन कम करता है, वो 3 महीने तक 30 मिनट 5 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज करता है और अगर स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग छोड़ देता है, तो उसका गारंटी ब्लड प्रेशर लेस देन 120 और 80 हो जाएगा और वो उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है. होपफुली दिस विल हेल्प. शुक्रिया.